जमीनी स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसी जमीनी स्तर को किस प्रकार से आप लोग बेसिस बना रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है अभी झारखंड में, क्या ये ऐसे प्रॉब्लम है कि आप लोगों को जनता लेके आएगा, आप लोगों को विकल्प मानेगा? और युवा का जिस प्रकार से दामोदर हंसदा जी को आप लोग उतारे हैं, दामोदर हंसदा जी में ऐसे क्या क्वालिटी है जो दामोदर हंसदा हो गया संसद बन के यहाँ पश्चिमी सिंहभूम को लेकर के अच्छा एसडीजी बना सकता है? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी डीसी ऑफिस में है और ये लोग आप लोग देख रहे हैं जितने हैं जेबी केसेस यानी जे एल के एम यानी कि झारखंड। और जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे अभी नॉमिनेशन फाइल करने आए हैं दामोदर हंसदा जी। दामोदर हंसदा जी का नॉमिनेशन फाइल में ये बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, सैकड़ों से ज्यादा है, हजारों कार्यकर्ता इधर है, आप लोग वहां तक से उधर भी कार्यकर्ता भरे पड़े हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आजकल हमको आगे कैसे, इतना दिन जो इंतजार किया, इतना दिन जो आंदोलन किया, अब ये लोग क्या करने वाले हैं नॉमिनेशन, यानी कि जिस लड़ाई का ये लोगों को इंतजार था अब लड़ाई सामने पहुंच गया है। जनता जेबी केसेस को समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको लेकर हम लोग इनसे उनका कार्यकर्ता से बात करते हैं। कार्यकर्ता जनता के पास क्या मैसेज देता है? तो आप लोगों का जो ये है अभी इतना दिन से आप लोग बहुत दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का अभी जो अंतिम घड़ी है, तो जनता क्या आपके पास विश्वास कर रही है, क्या आपको ये कर रहा है, इसीलिए हम लोग को आपको मैसेज जनता को देना है। देखिए, जहाँ तक विश्वास का बात है, आज इतने जो कार्यकर्ता आप सैकड़ों को बताए, ये जो सैकड़ों हमारे लोग आए हैं ये पैसा के दम पर नहीं आए हैं, ये जागरूक भीड़ है, अपने अपने पैसा अपना पॉकेट से लगा के भीड़ आया। जो कल और परसों जो नॉमिनेशन में जो भीड़ था ना, वो पैसे के दम पर लाया गया भीड़ था। आज हम लोग का जितना है किसी से भी आप पूछ सकते हैं, पहला नॉमिनेशन दामोदर हंसदा का। सौभाग्य है कि आज पहला नॉमिनेशन पश्चिमी सिंहभूम से आज दामोदर हंसदा के नेतृत्व में पूरे कोल्हान के हमारे जो आंदोलनकारी छात्र है या फिर अभिभावक, सब अपने खर्चे से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं नॉमिनेशन में। आज एक तो जेल कैम्प के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पार्टी बनने के बाद पहला नॉमिनेशन फाइल आज हम लोग कोल्हान की धरती से चाईबासा लोकसभा से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग जिस प्रकार से देखते हुए आ रहे हैं कि कोल्हान में यानी कि जयराम मातो आते रहते हैं और जयराम मातो का दहाड़ सुनने के लिए कोल्हान के लोग बेताब रहते हैं लेकिन आज इन लोगों का जो अंतिम घड़ी का जो परीक्षा है वो आ चुका है और ये लोग देखा जाए तो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जनता किस प्रकार से आगे लोगों का सपोर्ट करेगा, चाहे किस प्रकार से लोग जमीनी स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसी जमीनी स्तर को किस प्रकार से आप लोग बेसिस बना रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है अभी झारखंड में, क्या ये ऐसे प्रॉब्लम है कि आप लोगों को जनता लेके आएगा, आप लोगों को विकल्प मानेगा? देखिए, सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। आज अगर जयराम महतो और जेबी केसेस की उत्पत्ति हुई झारखंड में, तो बहुत बड़ी हमारे ग्राउंड स्तर की और झारखंड की समस्याओं को लेकर आज कोई भी नीति नियम स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते आज झारखंड जयराम महतो जैसे झारखंड में स्टूडेंट को आगे आना पड़ा और एक आंदोलनकारी बनना पड़ा। आंदोलन हम लोग पूरा जमीनी स्तर पर इतने अच्छे से किए, चाहे वो हमारे नियोजन को लेकर या फिर स्थानीय नीति को लेकर, पर आज आज से सदन विधानसभा घेराव तो की, पर ऐसा कोई भी नेता या फिर कोई भी हमारे जो भी पार्टी इस पर कोई खरा नहीं उतरे और हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे कोई भी फोकस नहीं किए। जहाँ तक बात होती है लोकल की मुद्दों की, जैसे हमारे आज ईंचा डैम की सबसे बड़ी समस्या है। ईंचा डैम में लगभग 200 गांव प्रभावित और विस्थापित हो रहे हैं, उन लोगों पर आश्वासन दिया जाता है हमेशा सभी नेता का चुनाव के दौरान कि ईंचा डैम नहीं बनने दिया जाएगा, पर इस बार वहाँ की जनता भी जाग चुकी है कि ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और ऐसा कोई लोग नहीं कर रहे हैं कि ईंचा डैम को रद्द की जाए। जहाँ तक हम लोगों ने इस पर जांच पड़ताल किया, पता किया, तो कह रहे हैं कि जो भी उसके परियोजना है, बहुउद्देश्य परियोजना जिसके लिए ईंचा डैम बन रहा है, कि उनमें 6 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट किया गया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सिंहभूम के जो विभिन्न समुदाय के जितने भी वे जो 200 परिवार प्रभावित और विस्थापित हो रहे हैं, उनसे बढ़ा है क्या ये 6 हज़ार करोड़ रुपया? आज अधिकतर जो सिंहभूम के क्षेत्र से, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से या कोल्हान से जितनी भी मिनरल्स 40% मिनरल्स जो भी झारखंड से जाती है, उनमें से जितनी कोल्हान से जाती है, इतने मिनरल्स देने के बावजूद भी आज यहाँ जनता को ठगाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, ये नीति नियम की कमी है। आज हमारे आंदोलन इसी के लिए शुरुआत हुई है कि आज यहाँ पर झारखंड में स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन
नीति इचाडेम को जैसे रद्द करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का समस्या है, पलायन का समस्या है, इसी को लेकर हम लोग आंदोलन किए हैं। और हमारी पार्टी भी अब बड़े दमखम के साथ मैदान में उतरी है। आज इस दिन का इंतजार था जो 2.5 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, इस ऐतिहासिक दिन का कि आने वाले 13 तारीख को या चुनावी का रिजल्ट के दिन हम लोग दिखा देंगे कि झारखंड का नाम निर्माण अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल, हम लोग जान रहे थे कि युवा का पार्टी है और युवा का जिस प्रकार से दामोदर हंसदा जी को आप लोग उतारे हैं, दामोदर हंसदा जी में ऐसे क्या क्वालिटी है जो दामोदर हंसदा हो गया संसद बन के यहाँ पश्चिमी सिंहभूम को लेकर के अच्छा एसडीजी बना सकता है, युवा को लेकर के, चाहे डैम को लेकर के, चाहे पूरा यहाँ का समुदाय को लेकर के, क्या है उनके पास युक्ता? देखिए, हमारे पास JBKSS या JLKM के पास जो मुद्दा है वो बाकी पार्टियों में नहीं है, क्योंकि आज मुद्दों के चलते या जितना पार्टी और बैकफुट में खड़ा है और फ्रंटफुट में आज JBKSS बैटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस हमारे पास जनहित के लिए मुद्दे हैं। आप वो लोग मुद्दे के साथ राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो पूछना चाह रहे हैं। जितने भी पार्टियां जो राज की झारखंड में या भारतवर्ष में, वो लोग मुद्दे पर आके क्यों नहीं बात करते? ठोस मुद्दा आपने अगर काम किया तो बताइए। आप पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा के अंदर ही देखिए, आयरन पत्थर का सबसे बड़ा खनन होता है पश्चिमी सिंहभूम, या क्या विकास हुआ? जब इतना परसेंट आयरन यहाँ जब पश्चिमी सिंहभूम अकेले देता है, तो सबसे पहले तो यहाँ जितने भी सांसद विधायक बने वो लोग जवाब देना चाहिए कि यहाँ से पूरे भारतवर्ष में इतना आयरन पत्थर जाता है, उसके बदले में यहाँ क्या विकास हुआ, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्या मिला? ये तो सबसे बड़ा विषय है, हम तो पूछना चाहेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुद्दे का बात है, हमारे पास जो मुद्दे हैं किसी पार्टी के पास वो मुद्दा नहीं, और मुद्दा के चलते आज जितने लोग आज प्रभावित हुए, क्योंकि मुद्दा के चलते आज देखिए चुनाव जीतने के लिए मुद्दा चाहिए और स्पष्ट मुद्दा हम लोग के पास है। हम लोग तो डिबेट करना चाहेंगे बाकी दलों के सामने, वो लोग बस क्या मैनिफेस्टो में क्या है दिखाइए बताइए। वो लोग का मैनिफेस्टो में एक तरह पे है विश्व के सबसे बड़े पार्टी और दूसरी तरफ है आदिवासी जल जंगल जमीन की पार्टी। वो लोग मुद्दा बताइए कि इतना साल राज करने के बाद क्या काम किए हैं बताइए। हम तो चाहेंगे सार्वजनिक जितने भी आप लोग जैसे लोकतांत्रिक के माध्यम से आप लोग पूछिए कि आप लोग बस क्या मुद्दा है, आप लोग इतना साल राज किए हैं, आपके पास क्या मुद्दा है? हमारे पास मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे पहले 19 का चुनाव में तो सब पार्टी कहते थे हम इतना नौकरी देंगे उतना नौकरी देंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ नीति नियम कुछ है या नहीं है, तो बहुत मुद्दा है। हम लोग बस अगर गिनाएंगे तो मुद्दों के इतना अंबार है, हम लोग के पास वो मुद्दे कमी नहीं है, लेकिन वो लोग बोल ही नहीं सकता है। नियोजन नीति को बोल सकता है नहीं बोल सकता है, स्थानीय नीति पर बोल सकता है नहीं, रोजगार पर नहीं बोल सकता, महंगाई पर नहीं। आप देखिए यहाँ जो पश्चिमी सिंहभूम यहाँ से इतना परसेंट आयरन पूरा भारतवर्ष को देता है, भारत सरकार यहाँ झारखंड सरकार के लिए क्या है, पश्चिमी सिंहभूम के लिए क्या किया है? यहाँ बगल में देखिए रूमठा, इस प्रकार से हम लोगों ने देख रहा था कि यानी कि डैम डूब क्षेत्र में अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हर जब जब चुनाव आता है तो वो लोग उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि नेता लोग, आप लोग अगर कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ भाषण देने आ रहे हैं, तो हम लोग को डैम डूब से, हम लोग को डूबने से बचाओ। क्या आप लोग डूबने से डैम डूब क्षेत्र लोगों को बचाएंगे? बिल्कुल, हमारा प्राथमिकता है जो जनहित के मुद्दे है। जो अगर मान लीजिए बहुउद्देश्यीय परियोजना है तो बहुउद्देश्य मतलब बहुतों उद्देश्य को लेकर, लेकिन अभी तक जो बहुउद्देश्यीय परियोजना और भी जिले में हुए हैं वो बहुउद्देश्य और भी सारे उतना उद्देश्य क्या उद्देश्य को लेकर बना है, खाली विस्थापित, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ये लोग का ठोस मकसद ही नहीं है कि इस उद्देश्य के साथ हम डैम बनाएंगे कि यहाँ के लोग सिंचाई से, आप देखिए चांडिल में चल जाइए वहाँ के लोग पलायन हुए, लेकिन सुविधा क्या मिला? आप तो बहुउद्देश्यीय परियोजना बता दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट परिणाम के रूप में आप क्या देख रहे हैं? जब वहाँ के लोगों को आप विस्थापित कर रहे हैं, आप दूसरा जगह उन लोगों को रोजगार दीजिए, साधन दीजिए, वहाँ डैम बना रहे तो पानी का सबसे पहले व्यवस्था उन लोगों को दीजिए कमाने के लिए। तो ये सब है, बहुत नाम दे दिया गया है योजना का नाम बहुउद्देश्यीय, उद्देश्य तो बहुत है लेकिन एक उद्देश्य पूरा होता है लुटने का, और बस और कुछ नहीं उद्देश्य। अंतिम समय में आप लोग एक मैसेज दे दीजिए पूरे JBKSS को, तो आपका कार्यकर्ता को तो दे ही रहे हैं, लेकिन अंतिम जो ये है जो जनता है ना, एक मैसेज बस दे दीजिए। देखिए जनता जनार्दन अभी जाग चुका है, सब जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल है ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते। अगर आप 10 साल 5 साल सरकार में रहे तो आप काम का गिनाइए नहीं जी, हम तो पूछेंगे
जनता भी पूछेगा आप काम गिनाई है या काम नहीं गिना गया है कि जाति विशेष में ये तो ओ पार्टी है इसे कैसे हो। अरे यार आपको सत्ता दिए हैं 5 साल के लिए, आप काम गिनाई है कि हम इतना रोजगार दिए हैं, फलाना रोड नाली जो भी किए हैं, आप जनता के पटल में जाइए रखिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि वो फल्ला पार्टी है, वो है ऐसे करके ये राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया गया है। जितने भी राजनीतिक दल है ना, ये लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करता है। जब आपने विकास काम किया है, वो विकास के काम पे ना आप जाइए ना जनता के सामने, हम तो चाहते हैं, लेकिन जनता के सामने ये लोग विकास के नाम पे नहीं जाता है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड। इसी के साथ यहाँ जब किसी का तमाम युवा है, यहाँ हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे है, तो हम लोग तो फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे। जितने भी कोल्हान के जितने भी लोगों हैं, सभी को एक यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी हमें झारखंड को बदलने की जरूरत है, झारखंड एक नवनिर्माण की जरूरत है। आप लोगों को टाइगर जयराम महतो, दामोदर हंसदा को सपोर्ट करने की जरूरत है। जहां तक बात, मैं स्पष्ट करना चाहूं कि ईंचा डैम को लड़ाई को लेकर हमारी लड़ाई ये अब प्राथमिकता रहेगी। ईंचा डैम को बचाने का पूरा भरपूर इस पर संघर्ष किया जाएगा और हम लोग बचा के रखेंगे। और जितने भी हो समुदाय हैं, जितने भी समुदाय हैं, हर वर्ग के लोगों का भी रोजगार पे, स्थानीय नीति को लेकर सब पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे एक रहेगा ही कि इस बार बदलाव कीजिए और टाइगर जयराम के पार्टी जेएलकेएम को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ तमाम युवाओं आज ये नोटिशन फाइल करने आए हैं, हम लोग यही सब सुने या इस वीडियो को, अगर जीविक कार्यकर्ता अगर आप हैं तो जनता के पास इसको जरूर भेजें। इसी के साथ पब्लिक अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।